गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 5 शरद ऋतु आगे कविता को पढ़ेंगे। इनके कवि हैं पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी ब्रिज। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जब बारिश का मौसम आता है और खूब बारिश हो जाती है, उसके बाद जो शरद ऋतु आती है जिसमें धूप अच्छा लगने लगता है ना, बारिश के बाद चारों तरफ गीला गीला हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा धूप पड़े तो कितना अच्छा लगता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें शरद ऋतु के आने से चारों तरफ कैसे खुशियाँ आती हैं उसके बारे में बताया गया है। ये वाला चैप्टर एक कविता है, आप लोग भी इसे पढ़ेंगे, मजे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। रेडी करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चौमास के पानी पड़ागे जान मान अब आकाश हर चौ सही छरागे। चौमास, यहाँ पे चौमास का मतलब होता है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम चला गया है, उसके जाने के बाद जो धूप आ रही है उससे आकाश साफ हो गया है। आप लोग देखते हो जब बारिश होती है तो पूरा बादल बादल हो जाता है ना, जो आकाश का जो नीला नीला रंग होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाता है उसके बाद जो धूप निकलती है और उसमें जब आसमान साफ हो जाता है और इतना सुंदर नीला रंग दिखाई देता है, वो बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति दिलाता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। बोल रहे हैं कि बारिश का मौसम चला गया है और धूप के आने से चारों तरफ सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, इतना साफ दिखाई दे रहा है जैसे मानो चावल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जन्मत ले अब चंदा उठे बादल भइगे फरियर, पृथ्वी माथा चारों फूट ले दिखते हरियर हरियर, रिग बिग ले अब अन्नपूर्णा हर खेतन खेत मां झरा गे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बारिश होता है तो जहां पे हम पेड़ नहीं भी उगता है ना, तो बारिश के मौसम में वहां पर भी पेड़ उग जाता है। पेड़ों में पत्ते जो है ना पानी गिर गिर के पूरा साफ हो जाता है, बिल्कुल ही हरा भरा दिखाई देने लगता है। बारिश में बहुत सारे लोग धान की खेती करते हैं, क्योंकि धान में जो पानी लगता है बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए धान की जो फसल होती है वो बारिश के मौसम में ही लगाई जाती है। अब बारिश चला गया है तो पेड़ पौधे जितना उगना उग गया है, चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है। नदियां और दरिया के पानी कमती हो गए लागे, रद्दा के चौमास के चिखला झंझटा हर भागे, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज आधा गे। नदियां और दरिया के पानी कमती हो गए लागे, बारिश होता है तो नदियां और तालाब सभी जगहों में पानी पूरा भर जाता है। जैसे जैसे बारिश का मौसम चला जाता है तो वहां पर भी पानी का जो स्तर है धीरे धीरे कम होने लगता है। रद्दा के चौमास के चिखला झंझटा भागे, बहुत जगह ना मिट्टी के रोड होते हैं, जहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग का शहर है यहाँ पे जो कॉन्क्रीट के रोड है उसमें बारिश गिरता है तो ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ पर मिट्टी के रोड होते हैं स्पेशली गांव में जहाँ पे मिट्टी का रोड होता है और बारिश गिरता है ना, तो वहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि बारिश का मौसम चला गया है, धूप आने लगी है और ये कीचड़ भी सूख गया है। अब कीचड़ से जो परेशानी होती थी वो परेशानी अब नहीं हो रही है। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज आधा गे, बारिश हुआ इतने दिन 3-4 महीना जो बारिश का होता है उसमें बारिश अगर अच्छे से गिरे तो बोल रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी माता है उनका भी प्यास बुझ गया है, इतनी अच्छी बारिश हुई है इस बार। लक्ष्मी माँ लहू तारे खातिर जग देवता अगुवाईस, अब जग
ले मुरारी पाना के दसना दस लाइस ऋग्वेद ले फेर कमल फूल हर तरिया हर छतरा ले। हमारे कवि यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे लक्ष्मी जी को घर वापस ले जाने का वर्णन किया गया है। बोल रहे हैं भगवान ना पृथ्वी पर आए हैं लक्ष्मी जी को घर वापस ले जाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे बारिश होता है लोग धान का फसल जो लगाते हैं वो पककर तैयार हो जाता है शरद ऋतु में, फिर उसे बाजार मार्केट में बेचा जाता है, बेचने से उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा उनको खुशी को चारगुना कर देता है, इसीलिए उसको लक्ष्मी के तुल्य माना गया है। अब यदि लक्ष्मी जी पृथ्वी पर थी बारिश के रूप में या धान के खेतों में जैसा भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, अब भगवान आए हैं उन्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए। ऋग बिगले फिर कमल फूल हर तरिया हर छतरा दे। जो नदी तालाब है ना वहाँ पे कमल के जो पेड़ है वो उगे हैं, खूब कमल के पेड़ उगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि तालाब के ऊपर कमल के पत्तों का बिछोना बिछा दिया गया है, मतलब बिस्तर लगा दिया गया है। किसके? कमल के पत्तों का। और चारों तरफ बिस्तर के चारों तरफ कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सोचिए ये दृश्य अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो हमारे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान जी उनको ऐसा कमल का बिछोना तैयार करके दिए हैं जिसके चारों किनारों में कमल के फूल खिले हुए हैं। चारों कुटुमा चहुल पहुल अब करते चिलगुल, भौड़ घलो परे हे बहिया करते गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा हो ही संगीत सुगर भरे अब आगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं क्योंकि आप लोग जानते हो अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आना भी सही नहीं है, बहुत कम वर्षा होती है तो अकाल पड़ जाता है वो भी सही नहीं है। तो इस साल जहाँ पे कविता जी सॉरी कवि जो हमारे बोल रहे हैं कि ये जहाँ पर का वर्णन है यहाँ पे सही बारिश हुई है, ना बहुत ज्यादा बारिश हुई है ना बहुत कम बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, चारों तरफ खुशियां हैं, लोग खुश हैं, पशु पक्षी खुश हैं, पेड़ पौधों की हरियाली है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। भरे गुनगुन कर रहे हैं फूलों के आसपास, अपने शब्दों में अपना गाना गा रहे हैं भौरे, भौरों को बोले जाते हैं गुनगुन करते हैं तो वो फूलों के आसपास गुनगुन कर रहे हैं। अमृत वर्षा होगी संगीत सब घड़ी अब आगे, अमृत की वर्षा हो रही थी क्योंकि बारिश को किसके तुल्य माना गया है, अमृत के समतुल्य माना गया है। बारिश नहीं होगी तो धरती पर फसल नहीं होगा, अगर फसल नहीं होगा तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब बारिश चली गई है शरद ऋतु आ गया है, तो बोल रहे हैं वर्षा की ऋतु जो चली गई है उसके बाद जो शरद ऋतु आई है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आई है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, आप लोग सब अच्छे से इसे रीडिंग करिएगा और मैंने जो वीडियो बनाया है इसे समझ लीजिएगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके प्रश्न उत्तर को मैं आगे आपको दे दूँ। तब तक के लिए गुड नाइट।